में एक इन्फॉर्मेशन हमको मिली हुई थी कि आज अहमदाबाद में कल शाम को वाकानेर का मुश्ताक बलोच और वाहिद खान पठान इम्पोर्टेड इंडियन रिकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वेपन के साथ आने वाला है। जिस इन्फॉर्मेशन पे ATS गुजरात ने वर्कआउट करके दोनों आदमियों को कल शाम को इस्कॉन ब्रिज के पास से अरेस्ट किया था, जिनने मुश्ताक बलोच के पास एक 9.32 पिस्टल इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की और एक 0.32 की इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रिवॉल्वर मिली हुई थी और वाहिद खान पठान के पास 0.32 की इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पिस्टल मिली हुई थी। इन दोनों के केस रजिस्टर करने के बाद पूछताछ के दौरान 54 वेपन्स रिकवर हुए हैं, जिसमें 15 इंपोर्टेड वेपन्स हैं और 39 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कंट्री मेड वेपन्स हैं। ये 2-3 साल से तो हमारी नज़र में आ रहा है कि जो अभी के इन आरोपी पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ से 2-3 साल से तो कम से कम है, लेकिन तरुण गुप्ता की हमारी कस्टडी में आने के बाद पता चल सकता है कितने साल से ये नेटवर्क चल रहा है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।